कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो इस संसार में देह से रहेंगी तो, लेकिन मन बुद्धि से किसके संकल्पों में मिलकर एक हो जाएंगी? है जो बाप का संकल्प 100 बच्चों का संकल्प रहेगा। बाप निराकारी तो बच्चे भी निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे। कहते हैं राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, तो फिर भला यहां कौन बचेंगे? सिर्फ राम के बच्चे बचेंगे। जो राम के बनेंगे या रावण के भी बनेंगे हैं? जो सिर्फ राम के बनेंगे वो ही बचेंगे। रावण के बनने वाले नहीं बचेंगे, राम के भी बच्चे बनेंगे। तो रावण के भी बनेंगे। यहां दोनों ही बचेंगे और दोनों ही रहेंगे। क्या जब तक ये रावण के सभी वापस चले जाएं, तब तक ये सृष्टि यूं ही ठीक होती रहेगी। क्योंकि सृष्टि जब विनाश होगी तो फिर उनको बनाने वाला भी तो कुछ चाहिए ना। बनाने वाला सिर्फ सत्य होगा या रजोतमो भी होगा? है? अरे नई सृष्टि आएगी, सत्युगी सृष्टि आएगी, सत्व प्रधान सृष्टि आएगी, तो बनाने वाला कैसा होगा? सात्विकी ही होगा। तो ऐसे तो नहीं है कि छोड़ जाते हैं, नहीं, पीछे यहां बनाने वाले भी रहते हैं। लास्ट में, एकदम लास्ट में सफाई करने वाले भी रहते हैं। क्या बोला? अंत में आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो ये साफ रहने में भी इनको समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे। किसने बोला है? ये किसने बोला हम भी चले जाएंगे? है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बीच में इंटरफियर करके बोल दिया। क्या बोला? हम भी चले जावे। हम भी माने कौन भी है? अरे ब्रह्मा माने चंद्रमा, चंद्रमा अथवा जो भी चंद्रवंशी है उनकी तरफ से बोला। किसने बोला? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने बोला हम भी चले जावेंगे। चंद्रवंशी जो 100% चंद्रवंशी ही रहेंगे, सूर्यवंश में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो बचेंगे या चले जावेंगे? हैं? नहीं बचेंगे? बचेंगे। अच्छा, बचेंगे तो जब सतयुग शुरू होगा तो सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों ही होंगे या एक ही वंश होगा?
हैं? पहले पर मैं ब्रह्मा संस्कृति के वंश आएंगे। कृष्ण पैदा होगा तो अकेला कृष्ण पैदा होगा या राधा भी पैदा होगी साथ में? है तो कृष्ण और राधा को क्या कहेंगे? चंद्रवंशी कहेंगे। चंद्रमा से पैदाइश है उनकी, है सूर्य से पैदाइश है या चंद्र से पैदाइश है? पैदाइश तो ज्ञान सूर्य से ही है। तो जो सत्युग में राधा कृष्ण पैदा होंगे उनको रचने वाले रचयिता सूर्यवंशी होंगे या उनमें चंद्रवंशी भी होंगे? सूर्यवंशी ही होंगे। बाबा ने जो बोला हम भी चले जाएंगे, ये चंद्रवंशियों की बात है। जो जन्म लेंगे ना सतयुग में वो जाने वाले होंगे या इस सृष्टि पर ठहरने वालों में से होंगे? हैं? जाने वालों में से। तो बोला फिर भी जरूर कुछ रहेंगे, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। ये किसने बोला? है शिव बाबा ने बोला। तुमको कहां जन्म मिलेगा? है राजाई में जन्म मिलेगा। और वो फिर यहां बैठ करके सफाइयां करते रहते हैं। तुमको किससे कहा है? रुद्रमाला से कहा या चंद्रवंशियों से, इस्लाम आदिवंशियों से कहा? तुमको राजाई में जन्म मिलेगा और वो फिर यहां बैठ करके सफाई करेंगे। तुम लोगों को राज्य कैसे मिलता है? हैं? तुम लोगों को राज्य कैसे मिलता है? हैं? अरे तुम देह से जन्म लेकर के राज्य करेंगे बाद में, या बाप से तुमको राजाई मिलती है इसी जन्म में? ब्रह्मा सरस्वती जन्म देह का लेंगे राधा कृष्ण के रूप में, और तुम नर से नारायण डायरेक्ट बनेंगे या पहले प्रिंस के रूप में, प्रिंसेस के रूप में जन्म लेंगे? तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण जैसे बनने वाले हो। तो तरीका क्या है तुमको राज्य मिलने का? बाप कहते हैं ना, जहां जीत वहां जन्म। तो तुमको कहां जन्म मिलता है? जन्म माने क्या? ये हद का जन्म होगा, दिव्य जन्म होगा, बेहद का जन्म होगा, तुम्हारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। तो तुमने किस पर जीत पाई है? माया पर जीत पाई। माया कौन से धर्म की है? इसके ऊपर जीत पाई। तुम चंद्रवंशियों पर जीत नहीं पाते हो? है पाते हो या नहीं पाते हो? है तो तुमको राज्य ऐसे मिलता है जहां जीत पाते हो
वहीं तुमको प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी मिल जाता है और भारत में ही जीत होगी। क्या कहा? जिनमें विदेशियों की बुद्धि है, जो विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले हैं या विदेशी है, विपरीत देशी है, वहां जीत नहीं होती है, भारत में ही रहेंगे और वो सब खत्म हो ही जाएंगे। कौन है? कौन खत्म हो जाएंगे? जो भी विदेशी हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन विदेशियों के जो चुंगल में फंसे हुए चंद्रवंशी हैं वो रह जाएंगे या चले जाएंगे? हैं? अरे वो भी चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ, वहां जो बड़े के बड़े राजाएं होंगे वो बचेंगे। वहां कहकर किस तरफ इशारा किया है? है? स्वर्णिम संगम युग की ओर इशारा किया या ठेठ सतयुग की ओर इशारा किया? है? स्वर्णिम संगम युग में वो ही बचेंगे जो बड़े से बड़े राजा हैं या उनके फॉलोअर्स होंगे, प्रजा होंगे। इनके भी कोई न कोई बचेंगे, जो अभी धनवान होंगे वो बचेंगे। जिनके पास तुमको जन्म लेना है, जिनके पास बहुत धन बच जाएगा उसके पास तुम जन्म लेंगे। तो गोया साहब, जो भी सृष्टि है तो इनका पीछे मालिक बनना है। सारी सृष्टि के मालिक बनते हो। ओम शांति।
प्रातः क्लास चल रहा था 28/4/64 का, सातवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। जिनके पास बहुत धन बच जाएगा उनके पास तुम जन्म लेंगे, तो गोया सब जो भी सृष्टि है तो इनका पीछे मालिक बनना है। फिर ऐसे भी तुम नहीं समझो कि ये जो धन दौलत यहां पड़ी हुई है मिट्टी में मिलेगी, वो कोई तुम्हारे काम आएगी नहीं। तुम्हारे पास यहां कहां है मणि, ताज, हीरे और बड़े बड़े जो भी हैं, कोई ये थोड़े ही है। ये हीरे, पन्ना, मोती, माणिक तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यहां इस दुनिया में जो मिल्कियत है वो बर्थ नाते पैनी है। तुम्हारी मिल्कियत तो ज्ञान धन की है, जो जन्म जन्मांतर काम करेगी। ये ज्ञान धन ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल हीरे माणिक बन जावेंगे। तुम्हारे लिए एवरीथिंग न्यू होगा, नया ताज, नए जवाहर, सब कुछ नया, एवरीथिंग न्यू बन जाएगा। देखो यहां इस दुनिया में हीरों की खान है, जो निकालते निकालते खाली हो गई है। फिर वो नई दुनिया में भारतीय हो जावेंगी, नहीं तो फिर हीरा कहां से आएंगे, महल कहां से बनेंगे। ये सब रिपीट कैसे होगा? ये जो नरक की दुनिया है वो स्वर्ग बन जाएगी, बाद में वो स्वर्ग सो नरक बन जाता है। ये सब कुछ तो रिपीट होता जाता है ना। तो देखो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। 28/4/1964 की वाणी का आठवां पेज। जो नया आदमी यहां आकर के बैठा होगा उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आवेगा। तो बोलते हैं पता नहीं ये क्या बातें हैं, बाकी तो तुम्हारे पुरानों में भी जो अच्छे पुराने समझदार हैं वो समझते हैं और बाकी तो कम समझते हैं, कोई उनसे भी कम समझते हैं। क्योंकि भविष्य आने वाली दुनिया में नंबरवार मर्तबे मिलने हैं ना, और ये मर्तबे कौन देते हैं? बेहद का बाप देते हैं, वो ज्ञान है ना। वो ज्ञान सुन करके हम बाप से ऐसा मर्तबा पाते हैं। हम शास्त्र बहुत जानते हैं, जन्म जन्मांतर हमारे बहुत पड़े हुए हैं, परंतु यहां तो वो सब बर्थनाटे पैनी हो गए हैं। वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते
मत्था टेकते धक्का खाते खाते अंधे की औलाद अंधे हो गए, जो गीता में गाया हुआ है, अंधे की औलाद अंधे और वो सज्जे की औलाद सदा सोझरे में रहने वाला तो बाप है ना। ज्ञान को सोझरा कहा जाता है। अभी जानते हो कौरव पांडवों की कोई लड़ाई तो नहीं लगी है ना। कौरव और पांडव जिनको अंधे की औलाद, अंधे कौरव और पांडव सज्जे की औलाद कहते हैं, परंतु उनकी तो लड़ाई नहीं लगी। वो सब बातें तो शास्त्रों में बहुत झूठी है, स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है। और वो कौरव वो तो यवनों से लड़े हैं, कौरवों की या कांग्रेस की ये मुसलमानों से लड़ाई लगती है, और हम तो नॉन वायलेंस हैं, हम लोग कभी हिंसा थोड़े ही कर सकते हैं। तो हिंसा भी डबल होती है, एक हिंसा एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना, और दूसरा है स्थूल हिंसा, गोली चलाना, खून करना आदि। तो इसको कहा जाता है डबल हिंसा। यहां इस दुनिया में है डबल हिंसा, और वहां नई दुनिया में नो हिंसा। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं है, न काम कटारी की और न एक दूसरे को गला काटने मारने आदि की। तो जहां दोनों प्रकार की हिंसा नहीं होती है उसको कहा जाता है स्वर्ग। आत्मिक स्थिति में जाने वालों की दुनिया, ये भारत ही था, अब नहीं है। वही अहिंसक भारत फिर से रिपीट हो रहा है, बाप स्थापना कर रहे हैं। ये समझने की बातें हैं ना। बाप ही सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला है, और बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सदा हिंसा की स्थिति में स्थित नहीं होती, इसलिए हिंसा भी जरूर करती है। बाबा ने समझाया है, बाप ही बैठ करके समझाते हैं कि तुम समझते तो हो, ये गुरु भी पतित होते हैं, चेले भी पतित है, अभी कौन उद्धार करेगा इनका। पतित कहा जाता है जो विकार में जाते हैं, दी माने विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कर्म बताए हैं, सुख दो सुख लो, उस कर्म के विपरीत जो कार्य करते हैं वो विकार की लिस्ट में आते हैं। और तुम सन्यासी को पतित कहेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो विकार में जाते ही नहीं है।
विकारी जो होते हैं वो निर्विकारी को माथा टेकते हैं। और अभी तो वो भी विकारी और गुरु भी विकारी, चेले भी विकारी, तो अभी माथा टेक करके क्या करेंगे, क्या मिलेगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा? मिलेगी आशीर्वाद नहीं? उन भिखारियों से क्या दृष्टि मिलेगी जिनका काम ही है कर्मेंद्रियों से दुख देना दुख लेना? जैसे खुद भिखारी हैं वैसे वो भी भिखारी। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है तमो प्रधान बुद्धि, जो इतना भी अकल में नहीं आता है कि भिखारी को गुरु बना करके हमको क्या मिलेगा, तो बस फिर भिखारी ही बन जाते हैं और तो कुछ भी नहीं। अच्छा चलो अब टोली लाओ, बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सब कुछ जान गए हो। जो बाप जानते हैं अगर बच्चे नहीं जाने तो बच्चा ही काहे का हुआ? बच्चा वो जिसका बाप की मिल्कियत पर पूरा अधिकार हो। तो तुम भी ऐसे ही हो, तुम तो पूरा ही ज्ञान जो बाप ने दिया है वो हप कर लेते हो। तुम अगर अच्छी तरह से नहीं जानते हो तो फिर तुमको पद भी बहुत कम मिलता है, और जो अच्छा जानते हैं उनको पद भी ऊंचा मिलता है। कहा था ना कि बाबा तो एवर प्योर है, फिर हो गए ब्रह्मा और सरस्वती, जगदम्बा और जगत पिता, वो भी पवित्र तो उनके बच्चे भी पवित्र। बाप तो समझा देते हैं बच्चे, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना, विकार में नहीं जाना, भले गृहस्थ में भी हो तो भी विकार में नहीं जाना, अपना काला मुंह नहीं करना। हम तो साफ बात कह देते हैं कि काला मुंह नहीं करना, अगर काला मुंह करेंगे तो फिर गोरा नहीं बनेंगे, पूरा पूरा लक्ष्मी नारायण का पद नहीं मिलेगा। यहां तो है ही सारी बात पवित्रता की, पवित्रता के ऊपर इतनी कड़ी बात कोई दूसरा नहीं समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं। सन्यासी फॉलोअर को ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र रहो, वो तो कहेंगे कुछ तो विकारों को छोड़ो। अच्छा काम विकार छोड़ दो, भला कोई तो विकार छोड़ दो। हमारे से एग्रीमेंट करो कि महीने में एक बार जावेंगे विकार में, पीछे ऐसे ऐसे मांगते रहते हैं, फिर तीर्थों पर ले जाते हैं। चलो
तीर्थों में जाकर के कुछ टाइम के लिए तो छोड़ो। 28/4/1964 की वाणी का 9वां पेज। अच्छा, प्याज खाना तो छोड़ो, एप्पल खाना तो छोड़ो, आम खाना तो छोड़ो। भला आम भी खाना छोड़ दिया? ऐसे भी बहुत हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, अच्छा तुम आम क्यों नहीं खाते हो? तो कहते हैं हम आम खाना तीर्थों पर छोड़ करके आए हैं। अरे अच्छे में अच्छी चीज छोड़ करके आए, वो तो कहते हैं प्याज छोड़ो, तुमने ये क्यों छोड़ करके आया? ये एप्पल तो, ये आम तो फल है ना, और फल तो देवताएं बहुत खाते हैं। ऐसे ऐसे जैसे गुरुओं की मत मिली तो चल पड़ती है। तो देखो ये खेल वंडरफुल है, इतना बड़ा नाटक है, यहां सभी एक्टर्स हैं और सभी आत्मा रूपी एक्टर्स अविनाशी हैं, उनका पार्ट भी अविनाशी है। ये बातें बड़ी समझनी होती हैं। आत्मा में कैसा पार्ट भरा हुआ है और अविनाशी पार्ट है फॉर एवर। न कभी आत्मा पुरानी हो सकती है और न उनका पार्ट पुराना हो सकता है, एवर न्यू। मीठे मीठे बच्चे फिर से आए मिले हुए हो तुम, फिर से हर 5-4 वर्ष के बाद मिलते ही रहते हो। अभी ये तुमको मालूम हुआ कि हम 5-4 वर्ष के बाद ये भारत स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग बन करके 5,000 वर्ष पूरे होने से नौरव नरक बनता है। 5,000 वर्ष के लिए आधा स्वर्ग नई दुनिया, आधा पुरानी। ये भारत नई दुनिया स्वर्ग था, जो पुरानी दुनिया जरूर होनी है। एक्यूरेट हाफ हाफ पीछे पुरानी हो जाती, तो पीछे उसको कहा जाता है रावण राज्य। पहले नंबर में राम राज्य, सुख का राज्य, फिर है दुख का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहां इसी दुनिया में स्वर्ग है, यही नरक है, नहीं। स्वर्ग की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं होता और नरक की दुनिया में 100% सुख का नाम निशान नहीं होता। तो ऐसे नहीं है कि यही स्वर्ग है, यही नरक है। जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारे लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग है। जिनको पैसा नहीं होता है, बीमार है, उनके लिए तो ये दुनिया नरक है। बहुत ढेर के ढेर मिलते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं, वाह हमको तो यही स्वर्ग है, विमान है, फलाना है,
महल माणिए हैं। अरे भाई नहीं, स्वर्ग तो और ही कुछ चीज होती है। वो कहेंगे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हमको तो और कोई स्वर्ग में आना ही नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, मैं साहूकारबाज नहीं हूं। क्या कहा है? साहूकारों की आवाज सुनने वाला नहीं हूं। किसकी आवाज सुनने वाला हूं? गरीब निवास हूं। और ब्रह्मा बाबा क्या थे? क्या थे? साहूकार थे, तो उनकी आवाज नहीं सुनी? उनको बाप आकर के वर्षा नहीं देता है क्या? है, उनको भी वर्षा देता है। तो बाबा मुरली में झूठा बोलते हैं क्या? है नहीं, बाप कहते हैं मैं गरीबों को वर्षा देता हूं विश्व की बादशाही का। ब्रह्मा को विश्व की बादशाही का वर्षा मैं नहीं देता हूं। ब्रह्मा को वर्षा कहां का मिलेगा? सतयुग का वर्षा मिलेगा। यह सारे 500-600-700 करोड़ की विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, है? सतयुग का वर्षा मिलता है, और वो बाबा से नहीं मिलता। किससे मिलता है? बाबा जिस नर से नारायण बनने वाले को वर्षा देता है विश्व की बादशाही का, उससे ब्रह्मा बाबा को वर्षा मिलता है। सतयुग में प्रिंस बनेगा, परंतु उसका बाप कौन बनेगा? सतयुग में कृष्ण जो प्रिंस बनेगा, उसको सतयुग का वर्षा देने वाला प्रैक्टिकल में कौन होगा? है, नारायण होगा, जो नर से नारायण बनता है। तो मैं साहूकारवाद नहीं हूं, अजामिल जैसे पापात्मा हो, चाहे अहिल्याएं हो, चाहे कुब्जाएं हो, हम तो उनको ही साहूकार बनाता हूं। बाकी जिनके पास अहरूप लेने हैं, बिरला जैसे साहूकार हैं, उनके लिए तो इम्पॉसिबल है। वो वहां कोई ऊंच पद नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनको तो यहां ही बहुत मिल्कियत है। उनकी कमाई है पुत्र पौत्रों के लिए, या तो वो अपनी सारी कमाई शिव बालक को दे देंगे। क्या देंगे? उन्होंने जो कमाई कमाई है वो अपने पुत्र पौत्रों के लिए, पौत्रियों के लिए कमाई है, या शिव बाबा को देने के लिए कमाई है? तो शिव बाबा को जो बालक नहीं बना सकते हैं, उनको अपना न देवे तो बाप उनको फिर किस जन्म का नहीं दे सकते? अरे बाप तो लेकर के भी तुम बच्चों को ही दे देते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो दाता है। वो क्या करेगा लेकर के? उनको कोई महल बनाने हैं क्या? नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। एवरीथिंग फॉर यू। बाबा ने समझाया ना, ये सब किसके लिए बने हैं? एवरीथिंग फॉर यू,
बाप को कहा जाता है बाबा। अच्छा, नए मकान में तो चलकर रहो, बाप कहते हैं नहीं बच्चे, मैं महल माणियों अटारियों में नहीं रहता हूं, मैं जब विश्व का मालिक ही तुमको बनाता हूं, मैं तो नहीं बनता हूं, तो फिर नए घर में भी मैं क्यों बैठूं? मैं बोला, अच्छा मैं तो बैठूं। बाप कहते हैं तुम बैठो, मैं तो नहीं बैठूंगा। और तुम भी कैसे बैठ सकते हो, मंडर तो देखो, हमारी आपस में कितनी गिटपिट चलती है। बाबा को सब बच्चे कहते हैं कि महल बनाना, ऊपर माउंट आबू में महल बनाना कितना अच्छा है, भाई तुम बनाओ, मैं तो नहीं बैठूंगा। किसने बोला, किसको बोला है? शिव बाप ने बोला, माउंट आबू में तुम महल माणिया बनाओ, तुम बैठो। कौन बैठे है? अरे कौन बैठे हैं वहां? मैं तो नहीं बैठूंगा। अब मैं नहीं बैठूंगा, और मैं नहीं बैठूंगा तो ये कैसे बैठ जाएगा? कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ये तो तकलीफ हो गई, तो खिटपिट हो गई ना। अभी तुम समझ गए हो, बाबा बहुत ही अर्थ समझाते हैं, क्योंकि बाप को कहा जाता है भोक्ता। बाप अभोक्ता है तो तुमको भी अभोक्ता बनावेंगे ना। असोचता कौन? शिव बाप। तो तुमको भी क्या बनावेंगे है? अरे मनन चिंतन मंथन करने वाला ही बनते रहेंगे अंत तक, कि असोचता भी बनेंगे। बाप आते हैं तो आप समान बनाते हैं ना, नहीं बनाते? किसको है? जो बनता है भोक्ता और असोचता, वो ही विश्वनाथ कहलाता है। असोचता भोक्ता का कुछ अर्थ तुम्हारे में से कोई लिख करके आना, मैं देखूंगा कि अभोक्ता का क्या अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि मुख से कुछ खावेगा ही नहीं, या आंखों से कुछ देखेगा ही नहीं, या कोई भी इंद्रिय से कुछ भोगेगा ही नहीं, ऐसा अर्थ है क्या? है ऐसा अर्थ है? अरे इंद्रियों से कुछ भोगता है या नहीं भोगता है? भोगता है, उसकी यादगार क्या है? है? अरे मंदिरों में शिवलिंग रखा हुआ है जलाधारी में, तो ऐसे नहीं है इंद्रियों से भोगता नहीं है। हाँ देवताएं सभी इंद्रियों से भोगते हैं, उनकी यादगार दिखाई जाती है,
कमल नयन कमल के समान अभूक्ता, कमल मुख कमल के समान मुख, कमल हस्त कमल पाद, जैसे कमल निर्लिप्त रहता है ऐसे निर्लिप्त जीवन बिताते हैं देवात्मा संगम युग में अपनी संपूर्ण अवस्था में। तो पूछते हैं अभोक्ता का अर्थ क्या है, असोचता का अर्थ क्या है। मैं आज तुम बच्चों को सबक देता हूं, कभी कभी दे देता हूं, तो हम देखें तुम्हारी बुद्धि, समझा ना। समझाने वाली ब्राह्मणी कहाँ है। अरे मुट्ठी तुम भी लिख करके आना, बाबा तुमको नहीं बताएंगे, अगर जाएंगी भी तो। परंतु बाबा प्रश्न पूछते हैं, और देखो ये प्रश्न सब के पास जाता है, सब बच्चे सुनेंगे और सब हमको लिख करके भेजेंगे कि बाप को अभोक्ता और फिर असोचता क्यों कहा जाता है। कोई चीज ही नहीं है भोगने की, फिर अभोक्ता कहा जाता है क्या। कोई बात ही नहीं है सोचने की, फिर असोचता कहा जाता है क्या। एक बक्सा बनाए दो, उस बक्से में टुकड़ी टुकड़ी में लिख करके देना, ये दो अक्षर हैं अभोक्ता और असोचता। हर एक बात में एक सेकंड लगता है, जब जीवन मुक्ति सेकंड में, बाप से वर्षा सेकंड में। सेकंड का अर्थ भी समझाया, बच्चा बाप को पैदा हुआ और वर्षा मिला, क्या टाइम लगा। निकला कुछ है? देखा कि बच्चा है या बच्ची है। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वारिस है, जानते हो ना। तो जानने में एक 60 सेकंड का टाइम लगा ना। यहां भी तो कहा जाता है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। उनका अर्थ कोई ऋषि मुनि आदि समझ सकते हैं क्या। कुछ भी नहीं समझेंगे, बस सेकंड माना ही बाप को जाना, और किसके द्वारा जाना, बच्चों द्वारा। और जनक को किस द्वारा, अष्टावक्र के द्वारा। कौन हुआ अष्टावक्र, कौन हुआ जनक, रामवाली आत्मा क्या, जनक। जनक माने बाप, जन माने जन्म, का माना करना, जन्म करने वाला, अर्थात जनक माना बाप। तो जनक को जीवन मुक्ति किसके द्वारा मिली, क्या नाम बताया, अष्टावक्र के द्वारा। कौन हुआ अष्टावक्र, 8 जगह से वक्र, क्या
ऐसे तो कृष्ण को त्रिभंगी लाल कहते हैं, तीन जगह से टेढ़ा, गर्दन से भी टेढ़ा, कमर से भी टेढ़ा, घुटनों से भी टेढ़ा। लेकिन फिर बोला है यहां अष्टावक्र, आठ जगह से टेढ़ा। क्या ये आठ जगह तोड़ फोड़ किसने की होगी है? अष्टावक्र को आठ जगह से टेढ़ा बनाने वाला कौन? जो आठ धर्मों की विधर्मी रानियां हैं, उन रानियों ने पट्ट में गिरने से पहले इनको तोड़ फोड़ कर दी, तो आठ जगह से टेढ़े हो गए। कौन? किसकी आत्मा की बात है? कौन टेढ़ा हो गया है? अरे ज्ञानी टेढ़ा होगा या अज्ञानी टेढ़ा होगा? कौन टेढ़ा होगा? ज्ञानी धोखा खाएगा या अज्ञानी धोखा खाएगा? अज्ञानी ही धोखा खाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो किसी से धोखा नहीं खा सकते। तो कौन हुआ अष्टावक्र और कौन हुआ जनक है? राम वाली आत्मा जनक है और कृष्ण वाली आत्मा अष्टावक्र। शरीर छोड़ने से पहले ही आठ रानियों ने धोखा दे दिया, तो आठ जगह से टेढ़ा हो गया। फिर जनक को वर्षा किससे मिला? ज्ञान धन का है? अरे कोई तो प्रैक्टिकल में देने वाला निमित्त बना। कौन बना है? अरे राम वाली आत्मा को ज्ञान कहां से मिला? बेसिक में थी या नहीं थी? थी तो कहां से मिला? ब्रह्मा से मिला ना। तो कृष्ण वाली आत्मा अगर अष्टावक्र है तो ज्ञान का वर्षा कहां से मिला? मुरलियों का ज्ञान कहां से मिला? ब्रह्मा से ही मिला ना। तो तुम लोगों ने अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ी है। तुम्हारे में से तो कोई शायद पढ़ी नहीं होगी। मैं तुमको मंगा करके दूंगा। तो अष्टावक्र यानी बच्चे ने और सो भी अष्टावक्र बूढ़ा बूढ़ा कुकड़ा मुकड़ा सिकुड़ा। अच्छा सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई। क्या सुनाया होगा है अष्टावक्र ने जनक को? क्या सुनाया होगा? अरे कुछ सुनाया होगा या नहीं? बाबा को पहचानते हो? वो तुम्हारा बाबा लगता है। हाँ बाप लगते हैं। बस बाप लगते हैं। उनकी आंखें बंद हो गई और साक्षात्कार कर लिया। समझा ना? ये बड़ी आखानी है घोड़े के ऊपर। घोड़ा माने क्या है? मन रूपी घोड़ा। वो कहते थे कि घोड़े के ऊपर हम ऐसे पैर धरे और मुझे साक्षात्कार हो जावे। जैसे किसका हट पूरा करना हो तो ये बड़ी अच्छी आखानी है। अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है ये आखानी की बात।
सेकंड में है ना, तो बच्चा पैदा हुआ और ये बारिश बना, निश्चय हुआ तो पकड़ लेना चाहिए। अभी निश्चय होकर के अवस्था जमाना उसके ऊपर है, बच्चे के ऊपर है वर्षे का हक, यानी कितना ऊंचा पद पाएंगे, बस कोई देर थोड़े ही लगती है। ऐसे कोई से पूछते रहो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, वर्ल्ड गॉड फादर से आपका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, तो जरूर कहेगा फादर है। तो हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करने वाला हुआ ना। किसको कहेंगे फिर, ब्रह्मा को कहेंगे हेवनली गॉड फादर, क्यों क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा तो हेवन स्थापन करने से पहले ही शरीर छोड़ गए, तो फिर तुमको तो हेवन की बादशाही मिलनी चाहिए ना। अगर वो नहीं बताएगा कि वो फादर है, परंतु वो फादर तो है ना, मुख से कहते हो ना परमपिता, बापों का बाप, सभी मनुष्य मात्र का, मनुष्य आत्माओं का बाप प्रजापिता, फिर उसका बाप कौन, कहेंगे परमपिता। तो तुमको उस परमपिता से वर्षा मिलना चाहिए, तो हम जानते हैं ना कैसे वर्षा मिलता है, जो वर्षा मिलता है वो समझा सके ना, तो हम टीचर हो गए ना। टीचर हो कोई भी प्रश्न पूछे और खुद ही प्रश्न का जवाब न जाने, तो फिर प्रश्न कैसे पूछेंगे, समझते हो मीठे मीठे बच्चों। अच्छा बच्चों को ओम शांति।